रामपुर नगर में भारतीय किसान यूनियन के मंडल उपाध्यक्ष हसीम अहमद ने केंद्र सरकार के बजट को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि किसान के हितैषी नहीं है। सरकार ने तीसरी बार बजट जारी किया लेकिन एक भी बजट किसान के हित में नहीं है। मरना ही मेरा बेहतर है, तो ये सब ढकोसला है। गवर्नमेंट कहती कुछ है, करती कुछ है, दिखावा है। सब उद्योगपतियों पूंजीपतियों की सरकार है ये। उन किसान को 50,000 लोन लेने के चक्कर बैंक को चक्कर लगाना पड़ते हैं 50, और करोड़पति जो बैंक से लोन लेते हैं उनका घर बैठे लोन हो जाता है। उनकी कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, किसान की बहुत फॉर्मेलिटी पूरी नहीं आती है। कर्जा माफ़ करके सरकारें करती हैं, वो कर्जा माफ़ नहीं करती हैं, उससे आत्महत्याएँ बढ़ती हैं किसानों की। किसानों को पहले लालच दे दिया कि हम कर्जा माफ़ करेंगे, हमारी सरकार आएगी हम कर्जा माफ़ करेंगे, और फिर कर्जा माफ़ नहीं होता, उस पर चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज लगता रहता है और किसान भी मजबूर होकर आत्महत्या करता है। दूसरी बात यह है, इनके बजट में ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं बीमा बीमा बीमा। हम पूछना चाहते हैं क्या पूरा गाँव मरेगा तो इन्हें बीमा मिलेगा? इनका जो सर्वे है जो इन्होंने किया है, जो प्रतिबंध देते हैं, पूरा गांव जब खत्म हो जाएगा, उसकी फसलें पूरे गांव की खत्म हो जाएंगी तो हमें बीमा मिलेगा। हमारा कहना ये है कि हमें खेत बीमा चाहिए। जो हमारा नुकसान हुआ, अगर हमारे खेत में नुकसान हुआ तो हमें बीमा मिलना चाहिए, जिस खेत में नुकसान हुआ उसका बीमा मिलना चाहिए। तो ये बिल्कुल सब गलत है, सब कारतूस पर आधारित है, जमीनी हकीकत इसकी कुछ नहीं है। किसान को उसका वाजिब दाम मिलना चाहिए जो उसका गेहूँ है। इन्होंने अपनी सरकार को वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी। मोदी जी ने फूक फूक के कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपका 50% मुनाफा जो आपकी लागत में 50% मुनाफा जोड़कर देंगे। नहीं दिया, हलफनामा लगा दिया कि हमारा वादा नहीं था, ये पार्टी का वादा था। हम चाहते हैं किसान को इतना दे दो, किसान को हक दे दो। अगर एक सुई बनाने वाला है तो सुई बनाने वाला रेट करता है, ट्रैक्टर बनाने वाला है उद्योगपति अपना रेट खुद तय करता। अगर तुम कुछ मत दो, हमें कर्जा भी मत दो, कुछ मत दो, मगर हमें रेट का अधिकार दे दो। अगर हम गेहूँ पैदा कर रहे हैं उसकी लागत के हिसाब से हम रेट तय कर लें, हमारा किसान आयोग बना दो, ज्यादा सबकी दुनिया का आयोग है बने हुए, हमारा भी बना दो। क्यों खाली ढकोसला पीटते रहते हो, ये करते रहते हो? आत्महत्या की सब सारी सरकारें जिम्मा है, जिम्मेदार है आत्महत्या की। किसानों को मजबूर करती है और झूठा वादा करके फिर दूर कर जाती है सरकार के लिए बैठकर, और भावनाओं पर भावना भड़काकर। इनका मतलब है भावना भड़काकर, इनका मतलब अपनी सरकार को, अपनी सरकार गद्दी पर बैठना।